भारी बारिश से बालाघाट जिला हुआ जलमग्न। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में जारी किया येलो अलर्ट। लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं आवागमन बंद होने से जनजीवन सहित क्षेत्र में भरा पानी। वार्ड क्षेत्र सहित जिले में येलो अलर्ट जारी कर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नदी किनारे बसे गांव को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए, उनके ठहरने के लिए शासकीय विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कल संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ने के बाद वैन गंगा नदी में बढ़ते पानी के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा नदी किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया है। साथ ही तहसीलदारों, स्वास्थ्य, खाद्य, जनपद और थाना प्रभारियों को भी अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह 8 बजे तक प्रशासन द्वारा देवसर्रा के 2 परिवारों, गढ़ी समरटोला के 3 परिवार और गाय गुरी के भटेरा, खैरी, कुम्हारी, धापेवाड़ा, लिंगा, देवगांव, सिहोरा के करीब 30 सदस्यों को गाँव में ही उनके रिश्तेदार के घर पर पहुँचाया गया। सरपंच ग्राम पंचायत कुमारी। सरपंच साहब, आपके गांव में बनगंगा नदी का बाढ़ देखने मिल रही है, किस तरह की स्थिति है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? हमारे गांव में 5-6 मकान में पानी चले गया है और 50 मकान प्रभावित हो गए, उसमें जिसमें कि उनकी व्यवस्था कर दी गई, स्कूल है, पंचायत है, सामुदायिक भवन है। देखा जा रहा है कि काफ़ी किसानों की भी फसलों मतलब पूरी तरह डूब चुकी है, तो क्या स्थिति है किसानों की फसलों को लेकर? वो अभी परा लगा था उनका तिल्ली तुअल और फसल सैकड़ों एकड़ में फसल वो भी खराब हो गई। देखा जा रहा है कि आवास टोलियाँ काफ़ी प्रभाव में आ रही है, तो यहाँ के लोगों को लेकर किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? और अभी आप उनके कुछ नहीं, यहाँ से स्कूल में जाने की सलाह दे दी गई है, अब सब जा रहे हैं। मतलब सभी सुरक्षित है इस समय? सुरक्षित है। अच्छा, व्यवस्था बना रहे हैं आप लोग? जी।